तो राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल दोबारा से आपका। तो ह्यूंडई के लोगों से आप देख रहे होंगे कौन सी गाड़ी अभी क्रेटा का आपने देखा, अब तो दूसरी गाड़ी कौन सी है अपनी, न्यू ह्यूंडई की वर्ना फेसलिफ्ट क्या इसको, नई जनरेशन ही बोल लो कि पूरे प्रॉपर चेंज करा है इसको। आगे से आप देखो इसकी ट्यूबलाइट वाली लाइट है, मतलब कनेक्टिंग DRL बोलते हो अपन इसकी। और इसका बैक में अपन जाते हैं तो मेरे को जो इसका सबसे प्यारा लुक लगता है वो अपने बैक में लगता है, और देखो कितनी लंबी है जो कि फोन में आ नहीं रही है। तो इस गाड़ी की अपन बात करते हैं स्टार्ट करके, चलो चलते हैं। तो ये अपने सामने देख रहे होगे अपनी वर्ना न्यू 2023 में जो आई थी अपनी न्यू जनरेशन 2020 SX वाला वेरियंट है जो उसका टॉप मॉडल आता था। इसे चल के आपको इसकी पूरी बैजिंग ही दिखा देता हूँ। SX वाला वेरियंट अपना वर्ना का पेट्रोल में, तो इसकी पूरी बात करेंगे अपन वीडियो में। तो आगे से बात करते हैं इसकी। तो आगे से अपनी गाड़ी ऐसी दिखती है, आपको पता हो कि इसने ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटेड रेट करे हैं सेफ्टी में, तो जो भी ह्यूंडई की अब तक कोई गाड़ी स्कोर नहीं कर पाई थी जो कि अपनी वर्ना ने करके बताए हैं। तो सामने से इसकी देखो अपन कनेक्टिंग पूरी DRL मिलती है अपन के हेडलैम्प इसमें, नीचे की तरफ मिलते हैं प्रोजेक्टर में, LED में नीचे की तो पूरे दे रखे हैं। ये अपनी इसकी इंडिकेटर मिल जाता है, तो ब्लिंकर आगे की तरफ, दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, फिर कैमरा वगैरह अपन को आगे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अपन इसके इंजन से बात करते हैं, दस इसका हुड खोलते हैं। जो दस अपन इसका हुड खोला तो हुड आपको काफ़ी भारी देखने को मिलता है, क्रेटा का भी इसका भी कुछ ज़्यादा ही भारी है। इधर इंसुलेशन आपको फुल मिलती है। अपने इसका 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन आता है वो है इसमें, और जिसका जो नॉर्मल है जो प्रोड्यूस करते हैं अपनी BHP वो 113 BHP और 148 NM का टॉर्क करते हैं। जिसको टर्बो वाला वेरियंट आता है वो अपना 160 BHP, एक जो है 10 BHP वर्टस से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज अच्छी जा रही है वो वाली वर्ना। वैसे तो नॉर्मल है अपनी, इसको जैसे बंद करते हैं तो ऐसी थर्ड की साउंड आती है। काफ़ी भारी इंजन हुड दे रखा है। साइड की प्रोफाइल की बात करते हैं, जैसे फ्रेम में आएगी नहीं, पूरी पीछे जाते हैं तो देखो कितनी लंबी गाड़ी है ये। जो ओल्ड वर्ना आती थी उससे काफ़ी लंबी है, उससे नीचे भी कर दी, और जो उसका साइड का लुक काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। और जो बैक का लुक है वो और ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, बट जो उसका अच्छा नहीं लगता वो है इसका आगे का लुक। फ्रंट लुक से आप देखोगे इसको थोड़ा चाइनीज टाइप लगती है, जो कि ट्यूबलाइट टाइप लगती है, जो कि फ्रेंड्स मेरे को अच्छा नहीं लगा और लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा पर मेरे को नहीं लगा। बैक और साइड से काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके अलॉय व्हील्स देखो आप, ऐसे अपने अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसको मेरे को नहीं पता डायमंड कट बोलते क्या बोलते हैं इन अलॉय का नहीं पता। इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो है अपनी 205/55 R16, जिसमें भी अपन को 16 इंच के क्रेटा के बराबर के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इधर से अपन इसका बूट खोलते हैं, अपन को बूट की तरफ देखोगे तो कैमरा मिल जाता है, और जो बूट है इसका अपन को इधर रिक्वेस्ट से मिलता है तो ऐसे अपने आप खुल जाती है इसकी बूट। और जो इसका बूट की कैपेसिटी है देखो कितना लंबा बूट मिलता है, जिसका बूट कैपेसिटी है वो 528 लीटर्स की मिलती है। इधर से स्पेयर टायर देखते हैं, तो स्पेयर टायर देखो अपना कितने का मिलता है, 185/65 R15, मतलब 1 इंच कम टायर मिलता है और स्टील में मिलता है। टॉप मॉडल में अलॉय व्हील्स दे रखे, पर अलॉय व्हील्स में अपन को स्पेयर टायर नहीं मिलता इसके देखने के लिए। तो देखो अपन को इसमें कैमरा मिल जाते हैं, नीचे नंबर प्लेट वाली लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, और अपन इसकी ब्रेक लाइट मिलती है स्पॉइलर के अंदर। पीछे अपन को डिफॉगर भी दे रखे हैं इसमें, अपने शार्क फिन एंटीना दे रखा है, और पीछे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर और 1 कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो अपन ऐसे जाते हैं तो इसमें अपन को ORVM जो होते हैं वो अनलॉक करते हैं तो ऑटो फोल्डिंग मिलते हैं। अपन को एक इधर इको सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, और इस साइड को रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, मतलब तुमको इसमें एक साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो अभी तो अनलॉक है, इधर से खोल के बता देते हैं आपको। डुअल टोन में इंटीरियर आता है, ब्लैक और बीच कॉम्बिनेशन में, जिधर से अपन को पूरी हार्ड प्लास्टिक मिलती है, उसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। तो ये देखो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो वो अनफोल्ड हो गया, इसको दबाऊंगा तो वो मतलब फोल्ड हो गया, अनफोल्ड हो गया। और ये है अपन को जो ORVMs का अपन कंट्रोल रहता है, राइट में कर दे तो इधर से देखो कंट्रोल हो रहे हैं इसके, इन चीज़ का दे रखा है ORVMs कंट्रोल का, ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन दे रखा है, अपने विंडोज के कंट्रोल दे रखे हैं, ये ग्रैब हैंडल, दो पावर किट में अपन जो रखते हैं बोतल वगैरह वो रख सकते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, गाड़ी के मेन चीज़ इसके अंदर है। अपन अंदर बैठ गए, गाड़ी को पूरा पीछे खिसका देते हैं।
तो वरना का ऐसा अपना कुछ इंटीरियर मिलता है जो कि आप इसकी स्टेयरिंग देखोगे टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलती है, इधर कुछ नहीं है इधर भी, और इसको पूरे टॉप मोड आता है। तो उसमें काफी सारे फीचर्स हैं, अपने क्रूज कंट्रोल देते हैं, मेमो का ऐप है, इधर से अपन इंफोटेनमेंट का वॉल्यूम का कर सकते हैं, इधर से इसकी ये अपना अच्छा ये वाला मेमो वाला इसमें उल्टा देखा है कि लेफ्ट साइड में तो अपना MI जो होता है MID उसके कंट्रोल से रखे हैं इधर से अप डाउन वगैरह के, और ये जो अपना इन्फोटेन सिस्टम का वॉल्यूम वाले वो इधर दे रखे हैं, कॉल पिकअप वॉइस कमांड मोड वगैरह। ये देखो FM का हो गया, इसका अपन म्यूट कर देते हैं इधर से बिल्कुल बंद, ये दे रखा है इसका हॉर्न का, और ये है अपन को। तो मीमो इसका पूरा जो है अपना क्रेटा वाला ही है, इसको ओके करके बताऊं, इल्यूमिनेशन 1 टॉर्च एम्बिएंट लाइट भी दे रखी है इसमें अपन को, एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस इधर से लेवल 4 पर हो रखी है। देखो आपको एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिल रही होगी इधर, आपको थोड़ा लोअर ब्राइटनेस करके दिखाता हूँ, है ना, एम्बिएंट लाइट की दे रखी है, इधर से अपन इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं लेवल 2 पर कर दिया, तो देखो इसकी बिल्कुल और कम हो गई, इसको लेवल 4 पर करूँगा तो इसकी बढ़ जाएगी। अपन बैक में जाते हैं, एम्बिएंट लाइट का कलर, कलर कौन सा करना है मेरे को, करना है पोलर वाइट, तो वाइट पे क्लिक किया, देखो अब धीरे धीरे वाइट पोलर पे हो गया, मेरे को चाहिए मून वाइट, अब तो देखो इसका मून वाइट पे कलर हो गया जो दिखता नहीं है। अब मेरे को चाहिए थोड़ा पर्पल कलर होता है ना, वो चाहिए मेरे को अरोरा पर्पल, देखो पर्पल कलर हो गया, है ना, मस्त लाइट। इसमें एम्बिएंट लाइट का भी अपन को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो बैक गए, इसमें हेडलाइट टाइम इंटीरियर लाइट्स ऑफ कौन का इधर से अपन कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, इधर डोर का ऑटो अनलॉक वगैरह इधर से आपको बताया था तो नॉर्मल है, उधर से भी कर सकते हैं। तो क्लस्टर की थीम है वो क्या रहनी चाहिए, अभी ए देख रहे हो आप, बी करा, बी में रेड हो गया, और ये थीम ए में करा ब्लू हो गया, इसमें सी में थोड़ा सा वो कलर मिल जाता है, अपन रेड रखते हैं इसको, है ना। और बैक जाओ, वेलकम साउंड का भी उधर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब मीमो का हटाते हैं, अब इसको ड्राइव प्रेशर वो ये ड्राइव टू डिस्प्ले करने का, उधर से ड्राइव करेंगे तो दिखेगा। अब इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आते हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको i10 का रिव्यू बताया था, उसका जैसा बिल्कुल सेम है, इधर से अपन को इसमें एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाता है, मेरे पास केबल नहीं है, मैंने आपको दिखा के बताया था, फ़ोन रिजेक्शन वगैरह USB के थ्रू उधर मिल जाते हैं, क्वाइट मोड इसमें चल जाती है गाड़ी, क्वाइट मोड को हटाते हैं, बैक जाते हैं अभी, तो मीडिया वगैरह, उसका टच का रेस्पॉन्स है वो मैं बताऊँ, अरे यार म्यूट हो जाए, म्यूट हो जा भाई मेरे, इसमें म्यूट वाला वैसा बटन नहीं दे रखा कि कोई म्यूट का बटन दे रखा, ओह अच्छा इधर से म्यूट हो जाता है, हाँ इसको दबाते अपन तो इधर से म्यूट हो जाते हैं। तो इसको टच का रेस्पॉन्स है, ऑल मेन्यू से का वो थोड़ा नॉर्मल सा, इतना थोड़ा टक करने को अपन करते हैं तो मिलता है, इतना सब पसंद नहीं आया मेरे को इसका टच का रेस्पॉन्स। अपन डिस्प्ले की इधर से ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हैं सारी, और इधर से मेन्यू कॉल का आ गया, हटाओ सेटिंग में जाके, इधर से क्लाइमेट का है पूरा, अपन इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर अपन को इधर ऑटो क्लाइमेट का ऑप्शन मिलता ही है, ये देखो ऑटोमेटिक इधर से AC का टेम्परेचर वगैरह अपन सेट कर सकते हैं, इधर AC को बंद कर सकते हैं, रिसर्कुलेशन का ऑप्शन है, इधर फैन का पूरा आ जाता है, ट्यून सेटअप, रेडियो, मतलब अपन को ऊपर से कंट्रोल नहीं करना हो ना तो इस बटन को दबाओ, ये अपन का बटन दबाया तो इधर से अपन सेटअप वगैरह जो पहले आता था ना पुराने टाइम में बटन वाले, इधर से बिल्कुल अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका दबाया तो अपना AC वगैरह का सिस्टम मिल गया ऑटो, तो फ्रंट का डिफॉगर स्टार्ट हो जाता है इससे, इसका दबाया तो अपन इसका रियर का स्टार्ट हो जाता है ना, इससे ऑफ हो जाता है पूरा AC का सिस्टम। तो इधर अपन को 12 वॉट की जो Type-C का पोर्ट है वो मिलता है, 12 वॉट नहीं बोला सॉरी, Type-C का पोर्ट मिलता है, इधर अपन को 12 वॉट की सॉकेट मिल जाती है, और देखो USB पोर्ट मिल जाता है जो कि आपको क्रेटा के बेस वेरिएंट में दिखाया था उसमें देखने के लिए मिलता। और इधर को अपन दबाएंगे तो अपन को पीछे का पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, ये जैसे कि इसमें दबाया तो इस तरफ का नीचे का देखने के लिए मिल जाता है, ये पीछे का बस इतने का पीछे ही है इसका कैमरा, तो इसको देखने मिलता है, जैसे क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, इतनी अच्छी भी नहीं है। अब मैं इसको दबाऊँ, इसको बंद करता हूँ, तो ये है अपना पार्किंग वगैरह का जो आवाज़ है उनको सेट करने का।
तो जैसे अपन बटन पे जाओगे तो जैसे अपन कस्टम वगैरह सेट भी कर सकते हैं, किससे क्या ऑप्शन अपन को मिलेगा, जैसे हो रेडियो वगैरह इनको वो सेट भी कर सकते हैं भाई। इसमें एडास भी आता है, आपको पता है इसमें एडास भी आता है। अभी तो बंद है इस वजह से इसका अपन शो कर नहीं सकते, पर इसमें अपन एडास का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। देखो कितने सारे फीचर्स मिलते हैं, और इधर से देखो इसकी एम्बिएंट लाइट देखने कितनी प्यारी लगती है देखने में। इधर इसके स्पीकर मिल जाते हैं अपन को चार, उसमें जो एयरबैग्स वो पे अपन को 6 या 7 एयरबैग्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल है। ऊपर अपन को सनरूफ देखने के लिए भी मिल जाती है, ऐसे सनरूफ देखने को मिलता है जिसके इधर से, तो ये तो लाइट का, इधर से अपन को कंट्रोल भी मिलता है ना सनरूफ का, इसके बैंड्स को लगा। और जिसका आयर वे वो अपन को ऑटो डिमिंग मिलता है, जिसको बंद कर देते तो बंद हो जाता है, इसको अपन ऑन करते तो इधर ग्रीन लाइट आ जाती है देखने में। और इधर देखते तो अपन को ड्राइवर साइड भी भाई देख रहे हो वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलता है, ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलता है। और अपन इस साइड भी अपन को वही सेम वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है वो आरवीएम में। और जिसकी लाइट है वो एलईडी में मिलती है, क्योंकि काफी प्रीमियम फील कराती है। देख रहे हो, लग रहा हूँ ना मैं प्रीमियम आदमी बिल्कुल, वरना बैठ के लगता हूँ यार हम तो है ही शक्ल इतनी अच्छी हमारी, क्या करे, जस्ट जोकिंग। बट इस वाले वेरिएंट में अपन को वेंटिलेटर सीट देखने के लिए मिलती है, इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं और वेंटिलेटर सीट देखने के लिए मिल जाती है। और ये इधर अपन को इसका आर्मरेस्ट मिलता है, और कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है ये, इसका नॉर्मल सा स्टोरेज रखने के लिए मिल जाता है। जिसका कूल्ड है वो अपन को ये वाला मिलता है, आप इधर देखो ये अपन को कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। और जो इसकी सीट्स है वो भी इसके इधर से एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, इधर भी अपन को एयरबैग देखने के लिए। अभी सीट को मैं मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ एक बार, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया, डिस्प्ले में थोड़ा और आगे कर सकता हूँ मैं इसको वैसे, और इसको पीछे से फिर आपको वो बताता हूँ कि कितना अपन को लेग स्पेस वगैरह देखने के लिए। तो अपन इसमें पीछे चलते हैं, इसका लेग स्पेस देखते हैं, लेग स्पेस कैसा मिलता है। इसमें अपन पीछे आए भाई साहब, क्या लेग स्पेस मिल रहा है इसमें, तो क्रेटा से भी ज्यादा अपन को लेग स्पेस देखने के लिए मिलता है, मिलेगा यार सेडान गाड़ी है। और जिसका हेडरूम है आप देखो, हेडरूम ठीक ठाक मिलता है, तो ज्यादा देखने को तो मैं नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है, पर सीट काफी कंफर्टेबल है इसकी, जो कि आप ये देख रहे हो। पीछे भी एयरवेंट्स एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। एक शिकायत रहती थी वरना की, कि वरना में जो लेग स्पेस होता था ना अपने पुराने वाले में बहुत कम आता था, पीछे ढंग से आदमी बैठ नहीं सकता था। अब देखो कितना अच्छा लेग स्पेस देखने के लिए मिल रहा है वरना में। तो इसके इधर से अपन को ये पूरे बायपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर से अपन को इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। वॉइस कमांड है, जैसे अपन कुछ वॉइस कमांड बोलेंगे कि प्ले म्यूजिक, तो प्ले म्यूजिक का कॉल समवन, कॉल ब्रो वगैरह इधर से कॉल लग जाते हैं, इधर से अपन कॉल पिकअप और एंड भी कर सकते हैं। इसमें भी अपन को ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसको दबाऊंगा तो देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया, इसको हटाया तो ऑफ हो गया। इधर से अपन को आइडियल स्टार्ट ऑप्शन का मिलता है कि क्लच दबाते अपन क्लच दबाएंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा, और हटाते क्लच से स्टार्ट हो जाएगा इंजन। और जो नई वरना है ना, मैं ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बताऊं तो अंदर से तो इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम और इतना बढ़िया लगता है ना बैठने में, कि पूरी फील आती है कि आप चलाओ, पर थोड़ी नीची कर दी। और जिसके सामने का फ्रंट लुक है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, साइड ऑफ बैक का तो अच्छा है, पर जो उसका फ्रंट लुक है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो उसके मुकाबले जो वर्टस कॉम्पिटिशन में है भाई, एक देखो वर्टस का क्या है कि जो वर्टस है वो अपन को थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, कैसे, क्योंकि प्राइस रेंज तो आप बोलो सेम है इनकी, तो इसका मेंटेनेंस ना वर्टस का वो थोड़ा ज्यादा पड़ता है। और पर वर्टस से लुकिंग वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छी है, बताते हैं कि वर्टस से रेस में जीत गए थे, पर जिसको टर्बो वाले मॉडल है वो जीता था, वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है, वो अपन की 21 से 22 लाख की पड़ जाती है। और जो ये वाला एसएक्स वो अपन को 14 से 15 लाख का ऑन रोड पड़ जाता है। तो आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहेगा कि अगर मैं 14 से 15 लाख गाड़ी लेने जा रहा हूँ सेडान में, और मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के तीन ऑप्शन आते हैं, होंडा सिटी भी आती है, तो आपको वर्ना और वर्टस में से कोई खरीदनी है तो आप कौन सी खरीदोगे? अगर आपको लुकिंग वाइज और वैसे चाहिए कि चलो मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं है तो वर्टस चाहिए खरीद लो, और आपको आगे का फ्रंट लुक इसका पसंद है तो आप और एनी टाइम वर्ना पे जा सकते हो। तो ये था कुछ अपनी नई वर्ना एसएक्स का रिव्यू पेट्रोल वाली का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। अगर आपको और कोई गाड़ी पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक की टिल देन बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।